हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर से रिलेटेड प्रोग्राम। तो पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे कि लिखा हुआ है, पॉइंटर इज अ एडवांस डेटा टाइप इन सी। ठीक है, यानी सी लैंग्वेज के अंदर ये पाइथन सॉरी पॉइंटर जो है एडवांस डेटा टाइप होता है। और इसको यूज कैसे किया जाए और इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम होता है वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करना। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रैम में जाता है आपका प्रोग्राम, जब तक आपने उसे सेव नहीं किया तो रैम में जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा वो रैम में। जैसे 2 GB का रैम है या 4 GB का रैम है या 8 GB का रैम है या 16 GB का रैम है, जितने का भी रैम हो उसको कहीं ना कहीं एड्रेस मिलेगा। तो वो जो एड्रेस है ना, वेरिएबल का एड्रेस बताने का कार्य कौन करता है, पॉइंटर करता है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर क्या काम करता है। अब बात करते हैं कि पॉइंटर को यूज कैसे किया जाए, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक हेडर फाइल बनानी होगी। अब हेडर फाइल बनाइए ना बनाइए बात तो बराबर है, तो हम सीधा मेन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां सीधा लिखता हूं मैं void main, तो ये हमने void main लिखा और यहां पर करना है ब्रैकेट को ओपन और क्लोज, क्योंकि ये तो मेन आपका फंक्शन है। अब यहां पर नीचे आएंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे, अब एंटर करते हैं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर इंट टाइप का एक डेटा टाइप ले लेता हूं और एक्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें 10 स्टोर करा देता हूं, फिर एंटर करके नीचे आते हैं। यानी यहां पर हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया और इसमें 10 स्टोर करा दिया। ये जनरल जो है डेटा टाइप है, ये कोई पॉइंटर से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर फिर मैं इंट टाइप का एक डेटा टाइप ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पर क्या करूंगा, ये इंट टाइप का जो डेटा टाइप लिया है इसमें मैं बनाऊंगा पॉइंटर वेरिएबल। तो यहां पे ये देखिए ये सिंबल जो है ये पॉइंटर का है, तो यहां मैंने px कर दिया और px जो पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया है इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x है। यानी एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू पॉइंटर वेरिएबल जो बनाया है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब यहां पर इसे टर्मिनेट करते हैं और टर्मिनेट करके इसको printf लिखता हूं मैं प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि यहां पर तो printf भी लिखा जाता है, तो मैंने यहां printf लिख दिया है। और printf लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पर डबल कोट्स को ओपन करेंगे, ओपन कर लिया। अब यहां पर लिखेंगे वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और यहां पर इज परसेंट डी कर देते हैं, परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी कर दिया। अब यहां पे बैकस्लैश एन लगा देते हैं लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, और यहां पे डबल कॉमा को क्लोज करके नीचे कॉमा लगाते हैं और यहां पे एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पे टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे। अब फिर यहां पर क्या करता हूं, यहां पे प्रिंटएफ लिखता हूं। ठीक है, प्रिंटएफ लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि अभी तो पॉइंटर की बात हुई नहीं, ये तो जनरल जो वेरिएबल है उसका यूज यहां पर किया गया है और जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया गया है, तो यहां पर तो पॉइंटर की बात हुई नहीं अभी, तो अब हम पॉइंटर की बात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करूंगा वो भी देखिएगा। तो यहां लिखा मैंने प्रिंटएफ और प्रिंटएफ लिख करके डबल कॉमा को ओपन किया। अब यहां लिखता हूं द एड्रेस ऑफ, ये कर दिया हमने एक्स, ठीक है, और इज, फिर यहां पे परसेंट पी कर देता हूं, परसेंट पी, ठीक है, और फिर यहां पर भी बैकस्लैश एन लगा देता हूं ताकि लाइन चेंज होती रहे, कॉमा लगाएंगे डॉटेड कॉमा को क्लोज करके, और कॉमा लगाने के बाद यहां पर मैं दे देने वाला हूं एक, ये देखिए ये ब्रैकेट को ओपन किया, यहां पे लिखूंगा मैं void, ठीक है, और यहां पे स्टार लगाऊंगा क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल की बात है, तो ये स्टार भी लगा दिया। अब क्या करना है, अब यहां पर px को प्रिंट करा देना है, तो बस इसके आगे आप लिख दीजिए px, यही लिया था ना, यहां पे देखिए px ही तो लिया हुआ है। अब यहां पर इसको टर्मिनेशन दे दीजिए और टर्मिनेशन दे करके अब एंटर करके नीचे आ जाइए और अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, जो ब्रैकेट ओपन हुआ था वो तो क्लोज ही कर दिया हमने। अब इसको चलाने की बारी है, तो यहां बिल्ड पे जाके कंपाइल करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाइड का वी जो है कैपिटल हो गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत है, अब सही हो गया, ये आ गए। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो ये कंपाइल किया हमने, कंपाइल भी हो गया, अब ये रन करवाते हैं। तो रन करवाएंगे तो देखेंगे कि ये एड्रेस को प्रिंट करेगा, तो देखिए अब वैल्यू तो प्रिंट ही कर रहा है, देखिए एक बार तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये यहां पर वैल्यू भी तो दिया गया है, तो यहां देखिए ये वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 10 है। अब जो वैल्यू ऑफ एक्स है इज इक्वल टू, ये एड्रेस ऑफ एक्स जो है ये इज इक्वल टू है पॉइंटर वेरिएबल जो बनाया गया है उसके, तो एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉइंटर वेरिएबल px, ठीक है, और वही यहां पे प्रिंट हुआ। ये देख सकते हैं ये वो एड्रेस है जहां पर ये जाकर के स्टोर हुआ है, ठीक है, यानी एक्स जो एड्रेस है एक्स का वो यहां पर जो है ये दिखा रहा है साफ साफ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा और इस तरीके से ये पॉइंटर काम करेगा। ठीक है, क्लियर, ओके।